योग का शाब्दिक अभिप्राय है जुड़ना, जोड़। योग माने जोड़। जो चीज़ें हमारे जीवन में संयुक्त होती हैं, जुड़ जाती हैं, हमारे जीवन से संबद्ध हो जाती हैं, वो सब योग हैं। या हमारे जीवन को बहुत सारी सकारात्मक चीज़ों से संयुक्त करती हैं, वो सब भी योग हैं। जहाँ तक हम इस बात का भावार्थ लेते हैं भाग्य और दुर्भाग्य के संबंध में, तो यहाँ योग से भी बड़ा भोग है। योग की स्थिति में चीज़ें आपको उपलब्ध तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत में उसका भोग नहीं है तो आप उसको भोग नहीं सकते हैं। सितारों की जो चालें हैं, जो भाग्य की स्थितियां हैं, हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में, हमारे जीवन में जो चीज़ें सुनिश्चित की जा चुकी हैं, उनका भोग और उनका योग दो अलग अलग चीज़ें हैं। योग बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं, योग बहुत सारी परिस्थितियों के हो सकते हैं, योग बहुत सारी अच्छी चीज़ों के आपके जीवन में सृजित हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका भोग नहीं है तो आप उसको भोग नहीं पाएंगे, आप उसको जी नहीं पाएंगे, आप उसका आनंद, उसका उत्सव, उसका लुत्फ आप ले नहीं सकेंगे। तो योग में चीज़ें आपके जीवन से आबद्ध होती हैं, संबद्ध होती हैं, संयुक्त होती हैं, आपके जीवन में प्रतिफलित होती हैं, आपके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर भोग नहीं है तो वो चीज़ें फिर आपके जीवन से पृथक भी हो सकती हैं, आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए तिरोहित भी हो सकती हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ से वो चीज़ें खो भी सकती हैं। योग बनता है पुरुषार्थ से और भोग बनता है भाग्य से। हमारा सारा कृत्य, सारा का सारा परिश्रम सिर्फ कृत्य पर केंद्रित है। कृत्य से योग तो सृजित होते हैं, लेकिन भोग बनेगा भाग्य से, और भाग्य आपका बलि होता है परमात्मा की शरण में जाने से। भाग्य को बलि कीजिए, फिर आपके योग भी फलित होंगे और आपके भोग भी सृजित होंगे। तब जीवन एक अपूर्व शांति, आनंद और उत्कर्ष की तरफ अग्रसर होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु।